हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन के बारे में सीखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि यहाँ पर ये बताया जाएगा कि कैसे एक थ्रेड किन सिचुएशंस में ज़रूरत होती है कि एक थ्रेड दूसरे थ्रेड से कम्युनिकेट करे, दूसरे को एक्सिक्यूट होने के लिए सीपीयू प्रोवाइड करे या फिर दूसरे टाइप के कम्युनिकेशंस करें। तो ऐसा किन सिचुएशंस में हो सकता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उन सिचुएशंस के बारे में अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कि क्यों आवश्यकता महसूस हुई इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन की। हाँ, तो प्रीवियस एग्जांपल्स की अगर आपने बात की आप बात करें अगर प्रीवियस एग्जांपल्स की प्रीवियस 3-4 वीडियोस की बात करें, तो हम लोगों ने ऐसा किया था कि अनकंडीशनली ब्लॉक किया था दूसरे थ्रेड्स को, मतलब कि एसिंक्रोनस एक्सेस के लिए। एसिंक्रोनस एक्सेस कहने का मतलब है कि वन बाय वन एक्सेस होने के लिए हम लोगों ने क्या किया था कि थ्रेड्स को अनकंडीशनली ब्लॉक किया था। थ्रेड्स को ब्लॉक तो किया था, मतलब कि एक थ्रेड को रोक कर दूसरे को एक्सिक्यूट होने का चांस दे रहे थे, बट हम लोगों ने किसी कंडीशन के हिसाब से नहीं किया था, बिल्कुल अनकंडीशनली किया था। हाँ, बट अगर प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग की बात की जाए, प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग की बात की जाए, तो अनकंडीशनल बिहेवियर बिल्कुल ही बहुत ही गलत चीज़ है, चाहे वो ट्रेड में हो या फिर किसी भी सिचुएशन में हो। कंडीशंस का यूज़ हर वक्त करना ही पड़ता है, अनकंडीशनल बिहेवियर इज नॉट ए गुड थिंग। तो इसलिए जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो इसलिए आया कि जो अनकंडीशनल ब्लॉकिंग है वो कंडीशनल ब्लॉकिंग में कन्वर्ट हो। सिंपली अगर एक लाइन में बोला जाए तो अनकंडीशनल ब्लॉकिंग को कंडीशनल ब्लॉकिंग में चेंज करने के लिए या फिर ट्रांसफॉर्म करने के लिए इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन अस्तित्व में आया। हाँ, चूंकि जावा में जो है इम्प्लिसिट मॉनिटर का यूज होता है, तो ऑब्जेक्ट इस तरह से ऑब्जेक्ट को काफी पावर दी गई, बट आप इस पावर को और अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हो और बेहतर और इफिशियंट बना सकते हो अपने प्रोग्राम को, कैसे? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के थ्रू। हम लोग देखेंगे कि सुनने में लग सकता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, बट हम लोग ये देखेंगे कि बहुत ही इजी है जावा में ये प्रोसेस फॉलो करना, कोई बहुत टफ बात नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है फॉलो करने लायक। तो जैसा कि पहले डिस्कस किया गया था कि मल्टी थ्रेडेड जो है, पहले हमने कहीं डिस्कस किया था कि मल्टी थ्रेडेड का जो कॉन्सेप्ट है, मल्टी थ्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो रिप्लेस करता है इवेंट लूप प्रोग्रामिंग को। मतलब कि नॉर्मली पहले हमारा इवेंट लूप प्रोग्रामिंग होता था, इवेंट लूप प्रोग्रामिंग, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आ गया क्या, मल्टी थ्रेडेड। हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इवेंट लूप प्रोग्रामिंग क्या है और मल्टी थ्रेडेड कैसे बेहतर है, और मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट होने पे भी इवेंट लूप प्रोग्रामिंग पूरी तरह से रिमूव नहीं होता है, तो उससे हम लोग कैसे सामना कर सकते हैं आज के वीडियो में, इसी के लिए हम लोग बात करेंगे। हाँ, तो इसके अलावा थ्रेड्स की अगर बात की जाए तो थ्रेड्स जो है सेकेंडरी बेनिफिट भी देता है, दूसरा भी बेनिफिट देता है, कैसे? तो पूलिंग जो है, मतलब इवेंट लूप प्रोग्रामिंग जो है, पूलिंग को तो हम लोग कम कर ही सकते हैं, जैसा कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं। पूलिंग इसके लिए ये समझते हैं कि कैसे कम हो रहा है और आगे कैसे और भी कम कर सकते हैं। तो पूलिंग जो है यूजुअली इंप्लीमेंट होता है बाय अ लूप। तो लूप तो पूरी तरह से रिमूव नहीं कर सकते आप प्रोग्राम से, बट हम लोग कम कर सकते हैं। और कैसे? लूप के कारण सीपीयू टाइम हमारा आइडल चला जाता है, खाली चला जाता है, ये समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। हाँ, तो पूलिंग एक लूप के द्वारा इंप्लीमेंट होता है, और ये लूप क्या करता है, लूप बेस्ड होता है कंडीशन पे, मतलब कंडीशन ट्रू होगा तो लूप इटरेट करेगा और नहीं तो नहीं करेगा। तो इसके कारण आगे हमारा सीपीयू टाइम जो है वेस्ट हो सकता है, मतलब वेस्ट सीपीयू टाइम। मैं इसलिए लिख के बता रहा हूँ ताकि आप सीक्वेंस वे में समझ सकें कि कैसे हो सकता है। जैसे कि अगर
अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो हम लोग एक सिनेरियो ले सकते हैं, एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। ऐसा सपोज कीजिए कि क्लासिक क्वेरिंग प्रॉब्लम अगर हम लोग देखें, जहाँ पे क्या होता है कि दो थ्रेड्स हैं, एक थ्रेड जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा थ्रेड कंज्यूम कर रहा है, मतलब दो थ्रेड हैं, पहला टी वन अगर मान लें, दूसरा टी टू मान लें। पहला थ्रेड हमारा प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर कहने का मतलब कि प्रोड्यूस कर रहा है, और दूसरा हमारा कंज्यूमर है, तो दूसरा क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। इस सिचुएशन को हम लोग और इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं, मान लीजिए कि जो प्रोड्यूसर है उसे तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक कि कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर ले, ठीक है, मतलब कि प्रोड्यूसर को तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक कि कंज्यूमर कंज्यूम ना कर ले। हाँ, और उसके बाद ही ये ज़्यादा अलग फिर से प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब कि ज़्यादा ही उसके बाद ही ये डेटा एक तरह से हम लोग इन टेक्नोलॉजी की भाषा में बोले तो ये डेटा प्रोड्यूस कर सकता है, जब तक ये कंज्यूम नहीं करेगा तब तक इसको वेट करना पड़ेगा और उसके बाद ही ये प्रोड्यूस कर सकता है नया डेटा। तो पूलिंग सिस्टम में क्या होगा कि कंज्यूमर जो है इस तरह से कंज्यूमर जो है टाइम वेस्टेज करेगा। टाइम वेस्टेज कैसे करेगा, टाइम वेस्टेज करेगा कि ये मान लिया जाए कि उसे कंज्यूम कर रहा है तो इसलिए प्रोड्यूसर का टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अगर होल सिस्टम के बारे में हम लोग बात करें तो टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है, तो इस तरह से टाइम वेस्ट होने का कहने का मतलब है कि सीपीयू साइकिल हमारा वेस्ट हो रहा है। क्यों, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो कंज्यूमर का वेट कर रहा है। अगर इसका अपोजिट लें, मान लिया जाए कि हाँ कंज्यूमर तब तक कंज्यूम नहीं कर सकता है जब तक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस ना कर दे। हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम में कंज्यूमर के कंज्यूम करने की स्पीड ज़्यादा हो प्रोड्यूसर की तुलना में, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि कोई किसी कंडीशन में किसी सिस्टम में प्रोड्यूसर के प्रोड्यूस करने की क्षमता स्लो हो एज पर टू कंज्यूमर, ठीक है। तो इन दोनों ही सिचुएशंस में क्या होगा, हमारा सीपीयू का जो टाइम है वो आइडल चला जाएगा, वेस्ट चला जाएगा, सीपीयू साइकिल्स वेस्ट चले जाएंगे। हाँ, तो इस तरह से एक बार अगर प्रोड्यूसर फिनिश हो जाए, ठीक है, तो देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कंज्यूमर प्रोड्यूसर के लिए वेट कर रहा है और प्रोड्यूसर, ठीक है, और प्रोड्यूसर एक बार अपना काम अगर ख़त्म कर ले तो उसके बाद फिर कंज्यूमर क्या करेगा, उसको कंज्यूम करने के लिए पुलिंग स्टार्ट कर देगा। तो पुलिंग स्टार्ट होने के बाद जो है सीपीयू जो टाइम है वो ज़्यादा और वेस्ट होने लगेगा। क्यों, पुलिंग स्टार्ट होने के कारण क्या हो जाएगा कि कंज्यूमर अपना जो प्रोड्यूस हुआ है उत्पाद उसको यूज़ करने में बिजी हो जाएगा और प्रोड्यूसर फिर उस कंडीशन में आइडल रह जाएगा। तो दोनों ही सिचुएशंस में अगर दोनों की स्पीड सेम नहीं है तो हमें प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, एक किसी की स्पीड ज़्यादा होगी दूसरे की कम होगी। तो इस सिचुएशन में जिसकी स्पीड कम होगी, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसको वेट करना पड़ेगा, और जो जिसकी स्पीड कम होगी वो सीपीयू टाइम को वेस्ट करेगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यह सिचुएशन जो ऐसा बना है, यह सिचुएशन बिल्कुल अनडिजायरेबल है, और यही कारण है कि आवश्यकता महसूस हुई इंटरथ्रेडेड कम्युनिकेशन की। मतलब कि अगर प्रोड्यूसर को आइडल बैठना है तो बेहतर होगा कि वो जो सीपीयू टाइम है अपना सीपीयू टाइम इसको दे दे, इस मतलब कि टी वन थ्रेड टी टू थ्रेड को दे दे इस तरह से। बट कैसे हो सकता है ये, तो इसके होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा इसको ये मैसेज करें, और इस चीज़ को हम लोग बोल रहे हैं इंटरथ्रेड कम्युनिकेशन। इंटरथ्रेड कम्युनिकेशन मतलब कि एक थ्रेड दूसरे थ्रेड से जो कम्युनिकेट करे उसे ही इंटरथ्रेड कम्युनिकेशन बोल रहे हैं। आगे आने वाले अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन से मेथड्स हैं, कौन से तरीके हैं, कुछ जनरल फॉर्म्स देखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ देखेंगे और समझेंगे कि इंटरथ्रेड कम्युनिकेशन कैसे इस्टेब्लिश हो सकता है। इस वीडियो के लिए धन्यवाद।